भूतो, हमारे घर में जबरदस्ती घुसकर रहने वाले भूतो बाहर निकलो। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गए, हम तुमसे ही बात करने आ रहे थे। अब ये बताओ कि तुम्हारे सवालों का जवाब तो हम बाद में देंगे, पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो। बताओ नानी कहाँ है? एक मिनट, हम लोग भी कोई डरते नहीं है जवाब देने से। बताते हैं कि नानी कहाँ है। ए तुम चुप करो, खबरदार क्यों नहीं रोका? बताओ कहाँ है नानी? शिमला में, वो जो बस डिपो है ना, वहाँ से सीधा जाने का, और बाद में थर्ड राइट लो और वहाँ से आठवां लेफ्ट लो, वहाँ पे एक नारियल का पेड़ है, उसको छोड़ो, पीपल के पेड़ के ऊपर नानी रहती है। क्या तुमने मेरी नानी को गुल करके शिमला भेज दिया? अरे नहीं नहीं जिया, कंफ्यूजन है, ये इनकी नानी की बात कर रहे, तुम्हारी नानी की नहीं, वो भूत बन के पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। मिस्टर भूत, हम तुम्हारी नानी के बारे में नहीं पूछ रहे, हम जिया की नानी के बारे में पूछ रहे, मेरी सासू मां के बारे में पूछ रहे। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि आप ढूंढ किसको रहे हैं, मम्मी को, नानी को या सासू माँ को। चुप करो तुम, तुम लोग हमें ये बताओ कि नानी को कहाँ छुपा के रखा है? हमारा क्या दिमाग खराब हो गया है? हम क्यों नानी को छुपाएंगे? और तुम लोग हमेशा से ये चाहते थे कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं, इसलिए तुम लोगों ने मेरी मम्मी को कहीं छुपाया? ये लोग तो उल्टा हमें डांट रहे हैं। देखो सुनो अच्छी तरह, हम लोग तुम्हारे जाल में फंसकर उल्लू नहीं बनने वाले हैं। सीधे सीधे बता दो मेरी सुषमा का है, वरना जंग का ऐलान कर दूंगा मैं, इस घर में तोपे चलेंगी। डैडी एक मिनट, मैं जरा दो चार मजदूरों को लेकर आया। क्यों? घर का दरवाजा छोटा ना, 7x4 का, वो तोपे अंदर कैसे आएंगी? देखो भूतो, तुम लोग ये मत समझो कि क्योंकि हम परियां और हमारा तुम पर जादू नहीं चलता तो हम कुछ करेंगे नहीं। सीधी तरह बताओ मेरी नानी का है, वरना हमने सुषमा को नहीं छुपाया है। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो। देखो हम पे झूठा इल्जाम लगाया ना तो इतना परेशान करेंगे कि तुम्हारी नानी तुम्हें याद आ जाएगी। मेरी नानी तो मुझे याद आ रही है, बताओ ना मेरी नानी को कहाँ छुपा के रखा है तुम लोगों ने? देखो सीधे सीधे बता दो मम्मा कहाँ है, वरना हमारे पास बहुत खतरनाक तरीके भी हैं। राधा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कर्नल कहाँ है? देखिए कर्नल साहब, अगर आप भूतों ने मेरी सासू माँ का कहीं कैद करके अपने पास रख लिया है तो नो प्रॉब्लम, बस एक बात का ध्यान रहे कि वो जहाँ भी हो खुश हो, क्योंकि अगर सासू माँ खुश है तो हम खुश हैं। ओके, तुम्हें कितनी बार बोला, बोल कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता मेरी सुषमा कहाँ है, मैं तो उसे खुद ढूंढ रहा हूँ। मम्मा ये भूत ना इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाले, हमें रानी देवी की मदद लेनी पड़ेगी। चल यहाँ से। प्लीज बताओ मेरी सुषमा कहाँ है, ये तो चले गए। मुझे लगता है ये सीधे सीधे हमें नहीं बताने वाले। डोंट वरी डैडी जी, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैंने अपनी 10 उंगलियां टेढ़ी कर ली है, बताओ घी कहाँ से निकालना है? जा नहीं, ऊपर देखो, ऊपर से आएगा घी। हम उन पर जादू नहीं कर सकते लेकिन खुद पर तो जादू कर सकते हैं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं जादू कर अमर बन जाऊं और उनके बीच जाकर बातें करके ये पता लगाऊं कि नानी को कहां छिपाया गया है तो। अरे वाह जिया, क्या ब्रिलियंट आइडिया। रानी देवी, ये मेरी नानी का सवाल है। अब पता चलेगा आखिर नानी है कहाँ। मैंने 30 साल फौज में काम किया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दुश्मन के अड्डे में घुसकर उनके सारे राज कैसे पाए जाते हैं। अच्छा कैसे? दुश्मन के कपड़े पहनकर दुश्मन की छावनी में घुस जाओ, दुश्मन समझेगा कि तुम उन्हीं के आदमी हो और तुम्हें सारे राज बता देगा। डैडी यानी कि हम लोग को परियों के कपड़े पहन के उनके पास जाना होगा? राधा के कपड़ों में अब क्या लगेंगे, सलवार कमीज और टोपी की जगह पे दुपट्टा ओढ़ के। परियों के कपड़े पहन के नहीं, परी बनकर। एग्जैक्टली, द
तो यमदास जी मुझे फौरन जिया बना दो। सोच लो कर्नल, अगर पकड़े गए ना तो बहुत मार पड़ेगी तुमको। हाँ। ओ, तो फिर फौरन अमर को जिया बना दो, ये तो मुझसे भी ज्यादा काबिल है। ये जिया बनकर उनके यहाँ जाकर उनके सारे राज लेकर आ जाएगा। हाँ, वो तो है, वो तो है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडिया लेके आते हैं। वो तो है, वो तो है। लो मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। माय मिस्टेक। मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। गुड लक। पकड़ो भूत के बच्चों। रामदास जी। मम्मी। आप मुझे धक्का क्यों मार रहे हैं? मैं अमर हूँ, जिया नहीं। मम्मी मैं जिया हूँ, अमर नहीं। जिया? रानी देवी। यमदास जी, मेरा अमर। मैंने पता लगाया, इन परियों ने नानी को नहीं छुपाया। रानी देवी, इन भूतों को भी नहीं पता कि नानी कहाँ है। तो अगर इन भूतों ने नानी को गायब नहीं किया तो फिर आखिर नानी को गायब किया किसने? मैंने। परिस्थान द्वितीय की रानी शानी देवी ने गायब कर दिया है सुषमा को। बड़ी परीपंती थी वो। मुझे कई साल पहले मैजिक कॉम्पिटिशन में हराकर वो सोच रही थी कि वह खुद इस दुनिया की सबसे एक्सपर्ट परी है। अब मैं बताऊंगी सुषमा को कि मैं क्या हूं। हेलो हेलो शानी देवी। वाकी टाकी, बॉक्स को अच्छी तरह से बंद तो कर दिया है ना? हाँ हाँ शानी देवी, हमने सुषमा को जादू से बॉक्स के अंदर डाल के बॉक्स को अच्छी तरह लॉक कर दिया है। आओ सुषमा आओ। मेरे परिस्थान द्वितीय में तुम्हारा स्वागत। परिस्थान द्वितीय की रानी शानी देवी तुम्हें मिलने के लिए तड़प रही है। अब क्या होगा? हाँ जानू, रानी देवी ने तो मुझे भी मैजिकल मैसेज देके ये कह दिया है कि हम वो जादुई किताब किसी को भी नहीं दे सकते। मामा, क्या मैं एक बार फिर रानी देवी को रिक्वेस्ट करके देखूं? जी यार, रानी देवी ने साफ साफ इनकार कर दिया, वो कभी नहीं मानेंगे। मामा, आपने उन्हें नहीं देखा, मैंने देखा है। वो दोनों लड़कियां बहुत खतरनाक थी। अगर हमने वो किताब उन्हें नहीं दी तो पता नहीं वो नानी के साथ क्या कर देंगे। और अगर हमने वो किताब उनको दे दी तो रानी देवी बहुत गुस्सा हो जाएंगी ना। गुस्सा होती है तो फिर हो जाने दीजिए। मामा, मैं रानी देवी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके ऑर्डर्स फॉलो करूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। मामा, आई लव नानी और मैं नानी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जी हाँ, देखो, रानी देवी ने परिस्थानी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो पता करें कि किसने किडनैप किया मामा को। मैंने रानी देवी से खुद बात की है। लेकिन मामा, जब तक परिस्थानी पुलिस नानी को ढूंढेगी, अगर तब तक उन लोगों ने नानी के साथ कुछ कर दिया तो मुझे लगता है कि हमें बिना रानी देवी को बताए वो किताब उन लड़कियों को दे देनी चाहिए। Are you mad, जिया? अगर हमने ऐसा किया तो रानी देवी हम तीनों के मैजिकल पावर्स हमेशा हमेशा के लिए छीन लेंगी। हाँ, लेकिन नानी तो वापस आ जाएंगी ना। वाओ, तुम तीनों के मैजिकल पावर्स हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? देखो, मैजिकल पावर्स गए तो गए, लेकिन कम से कम सासू माँ तो वापस आ जाएगी ना, एक नॉर्मल इंसान बनकर। मामा, वो दोनों लड़कियां किसी भी वक्त यहाँ आती होंगी, मैं किताब निकालती हूँ। जिया, लिसन टू मी। जिया जिया, ये मत कर। जिया प्लीज, तू सोचो तो सही। तुम रानी देवी, मेरा शक सही निकला। मैं जानती थी कि परिस्थान और मैजिक बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी नानी है तुम्हारे, इसलिए मैं ये किताब लेने आई थी। बच्चों, तुम जानते हो कि मैं सुषमा को बहुत प्यार करती हूँ, मगर परिस्थान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह माय गॉड मम्मा, अब हम नानी को बचाने के लिए क्या करेंगे?